यहाँ पर भी गंगा जल काफी गहरा है, दलदल कहते हैं। देखिए तो आपको मैं अंदर जाकर दिखाता हूँ। देखिए ये है गेट, ऊपर को उठाए जाते हैं, उसके बाद पुल जो है। तो स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में दोस्तों। मैं हरीश फिर से आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों, और मैं आज आया हूँ गंगा जी पर। और गंगा जी के बीचों बीच में जैसे बीच होता है ना गोवा का, उस टाइप में यहाँ पर एक बीच टाइप सा बन गया है, जो कि रेत जमा हो गया यहाँ पर। जब कि आप यहाँ पर इस पर मैं जो खड़ा हूँ ना, तो दो चार दिन पहले इतना ज़्यादा यहाँ पर गंगा जल था। देखिए ये देख सकते हो आप, ये देखिए इधर से इतनी तेज जल इस साइड से और इस साइड को बह रहा था। और ये इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ये देखिए घास इसकी जो दिख रही है, ये देखिए आप, ये घास इस तरफ को हो गई है। और ये देखिए वहाँ पर कितना सारा कूड़ा कचरा जमा, आपको दिखाता हूँ। तो ये सारे गेट हैं, ये देखिए ये यहाँ के नरवा डैम के ये सारे गेट हैं, जो कि देखिए रेत से पूरे जी अट चुके हैं और गेट सारे ही बंद हैं। इधर आप देख सकते हो, देखिए दलदल टाइप में है, और पूरा गंगा का व्यू आप इधर देखोगे, देखिए ऐसा पूरा बीच टाइप सा जो गोवा में है वैसा बन गया है पूरा। भाई भाई इसमें मैं आ तो गया हूँ, लेकिन देखिए इसमें मेरे पैर गड़ रहे हैं। देखिए अभी भी गीला है यहाँ पर, ये देखिए, देखिए अंदर को पैर जा रहे हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये दिख रहा है आपको, ये पूरा हिल रहा है। देखिए पैर किस तरीके से मेरे अंदर जा रहे हैं, देखो दिख रहा है, देखो ये दलदल इससे कहते हैं भाई, देख रहा हूँ घुस गया पैर। तो देखिए भाई काफ़ी खतरा है यहाँ पर, देखिए दलदल है, इससे दलदल बोलते हैं। देखिए देखो ये जा रहा है, इधर से जो देखोगे आप तो देखिए नरोरा का डैम कितना सुंदर जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। देखिए काफ़ी लंबा ब्रिज है नरोरा का। भाई ये जो आप पूरा बीच जो देख रहे हो, यहाँ पर होती है खेती, किसान जो टमाटर वगैरह लौकी वगैरह अपनी खेती जो करते हैं, तो ये पूरा वो बीच है। और देखिए जब गंगा ज़्यादा आ जाती है उसके बाद इनकी पाले जो होती है, खेती जो होती है वो उजड़ जाती है। और ये देखिए अब ये गंगा जल जैसे ही कम होगा नवंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में ये बिल्कुल ही कम हो जाएगा, सूख जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो जगह होती है वो नपती है पूरी, ये आप देख सकते हो पूरा इतना बड़ा, ये बड़ा इतना सा फील्ड जो देख रहे हो, ये पूरा ये मतलब हरा भरा हो जाता है नवंबर दिसंबर के महीने में। तो जैसा कि आप ये देख रहे हो भाई, ये देखिए ये काफ़ी ऊंचा स्लिप है, और यहाँ पर जो है चढ़ने के लिए सीढ़ी है, जो गंगा जल आप देख रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी है और ये काफ़ी ऊँचा होता है, काफ़ी ऊँचा। लेकिन आज यहाँ पर इतना ज़्यादा रेत जमा हो गया है तो ये पूरा दब चुका है, ये थोड़ा ऐसा ही बचा है, इतना सा बचा है। ये मैं वहाँ पर चल कर दिखाता हूँ आपको, ये देखिए इतना सा ही बचा है और यहाँ पर है सीढ़ी। लेकिन यहाँ पर भी गंगा जल काफ़ी गहरा है, यहाँ पर ये उफान देख रहे हो, काफ़ी गहरा गंगा जल है। तो किसान वगैरह अपने यहाँ से उतर के देख रहे हो सीढ़ी, यहाँ से उतर के जाते हैं अपनी खेती में जाते हैं। तो ये देखिए भाई इतना सुंदर व्यू जो आ रहा है, क्या कहने इसके। देखिए मौसम भी काफ़ी बढ़िया है और थोड़ी थोड़ी बरसात हो रही है। ये देखिए भाई जिन कौन है वहाँ से, देखिए इतने गहरे जल में होकर, पानी में होकर, देखिए पता नहीं कहाँ जा रहे हैं ये। ये देखिए भाई भाई कितना ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं ये, और हो सकता है यहाँ पर दलदल हो तो क्या होगा इनका। लेकिन अगर आप सामने जो दिख रहे होंगे आपको, ये देखिए ये इतने सारे आपको ये दिख रहे हैं, ये गाय वगैरह पशु हैं ये। तो मैं आपको, हाँ इससे दलदल कहते हैं। देखियो यार कैसे हिल रहा है ये, हैं देखो पूरा हिल रहा है। और ये देखिए बाहर से जो पहाड़ी इलाकों से जो कूड़ा कचरा आ जाता है, तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जमा हो जाता है। तो आपको मैं अंदर जाकर दिखाता हूँ गेट कैसे होते हैं, और जो उस तरफ जो गंगा जल है, जल है वो किस तरीके से रोका जाता है। ये देखिए ये इधर का गेट है, देखिए पूरा कूड़ा कचरे से बंद है। और गोला जो आप देख रहे हो, देखिए कितने मजबूती से बनाए जाते हैं ये, और इतने तगड़े तगड़े इसके ऊपर होकर वाहन भी निकल जाते हैं तब भी इसका कुछ नहीं होता है। ये देखिए ये नीचे का है भाई, देखिए
यह है ब्रिज के नीचे हूँ मैं, नर्रा ब्रिज के, और देखिए कितने मजबूती से काम होता है इसमें, तब जाकर ये वर्षों तक चलता है। ये देख सकते हो आप, ये देखिए ये है गेट, और यहाँ पर देखिए ये मिट्टी से अटसा गया है मेरे हिसाब से, रेत सा। देखिए उस तरफ आप देखोगे तो भाई देखना, वो दिख रहा है आपको उस साइड में है जल, और ये देखिए ये रस्से टाइप में आपको ये दिख रहे हैं। तो ये ऊपर से मशीनों द्वारा, ऊपर से एक इधर है और एक इधर है, तो ऊपर को उठाए जाते हैं, उसके बाद जल देखिए इस साइड में आएगा, और देखिए बैरिंग टाइप में लगे हुए हैं भाई। देखिए ये दिख रहे हैं आपको, ये बैरिंग टाइप में ये गोल गोल घूमता हुआ ऊपर जाएगा, तो मैं उस साइड आपको चढ़ के दिखाता हूँ मैं। तो इसके गेटों के ऊपर मैं चढ़ रहा हूँ, उधर देखता हूँ भाई क्या स्थिति है। देखिए भाई, वाह भाई, लेकिन इधर भी रेत जमा है भाई। देखिए इस साइड भी देखना, काफ़ी रेत है। इधर का ये व्यू है, और देखिए पूरा देखिए नर्रा ब्रिज का पुल जो है, देखो ऊपर तक ये रस्से जा रहे हैं, देख लीजिए। और ये ऊपर जो लग रही है आपको, देखिए ये मशीन है, देखिए इधर भी निशान बना हुआ है जैसा कि आप उधर देख रहे हो। तो ये खतरे के निशान होते हैं, कहाँ तक कितना जल पहुँचा हुआ है, इससे ये पैमास करते हैं। तो ये देखिए पूरा गेट, और इस वाले में आप देखोगे तो इसमें तो फिलहाल में थोड़ा बहुत पानी वगैरह है। इधर देखता हूँ चल के, देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा कूड़ा कचरा जमा हो गया है, लेकिन भाई इसमें दलदल है, मैं जाऊँ नहीं। देखिए इसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा वगैरह जमा हो गया है, देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा कचरा जमा है, देख सकते हो आप भाई। देखिए तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगे आपको तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और ऐसे ही अपना प्यार बांटते रहना अपने छोटे भाई को, और सपोर्ट करना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो नई ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय गंगे मैया, वंदे मातरम।